पे लोड पड़ रहा है। आईडी कार्ड देखो, इसकी बिल्डिंग कितनी प्रिटी। ऑलराइट, सो अभी बज रहे हैं रात के 10 और आई नो इट्स अ वियर टाइम टू स्टार्ट अ व्लॉग, बट ये टाइम मिलता पढ़ने का यार। यू सी द थिंग इज कि मुझे ना दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, जॉब में बिजी रहता हूँ। वापस आके खाना बनाना, कपड़े वगैरह और घर के काम में मतलब बिल्कुल भी टाइम मिलता ही नहीं। अभी रात के 9-10 बजे होश आता है मुझे कि पढ़ना भी है कोई चीज़, और क्योंकि एग्जाम में भी अब सिर्फ एट द फार एंड 2 महीने अभी एग्जाम के लिए बचे हैं। सो आई नीड टू मेक श्योर कि मैं ये 2 महीने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करूँ, बिकॉज यार आई नीड टू गो होम। अकेले रहने में लिटरली बहुत इशूज है, जो मतलब जो अकेले रहता है वही समझ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। 10 बजे मैं ट्राई करूंगा कि 12 बजे तक कम से कम पढ़ूं और उसके बाद सोऊंगा मैं। अब से मैंने प्लान किया कि मैं सिर्फ 5 घंटे सोऊंगा, तो अभी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। ऑल राइट, सो इट्स बिन एन आवर सिंस आई स्टार्टेड स्टडिंग। नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, आई डोंट थिंक कि मैं अभी 12 बजे तक पढ़ पाऊंगा। क्वेश्चंस मैंने सोचा था बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगा लूँगा, लेकिन इतने नहीं लग पाए, हार्ड क्वेश्चंस हैं और एक एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा देर लग रही है, क्योंकि नींद आ रही है और दिमाग में कुछ घुस भी नहीं रहा। ऑल्सो आई एम फीलिंग वेरी हंग्री। अरे हाँ यार, मेरे पास लड्डू रखे थे, हाँ बेसन के लड्डू भर के, बहुत स्वाद है। और भाई जो मम्मी ने भर भर के घी डाला ना इसमें, मज़ा आ गया। मुझे इस टाइम बहुत नींद आ रही है, माइंड फंक्शन नहीं कर रहा है, इतनी नींद आ रही है मुझे। पर मुझे ये भी दिख रहा है कि मेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं, और अगर मैंने ये चांस मैसअप कर दिया ना, तो मैं शायद अगले 1-2 साल के लिए यहाँ फंस जाऊँगा। भाई नींद का सेक्रीफाइस सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है मेरे हिसाब से तो। एनीवे, अभी मैं 1 वीक पहले ही डेंगू से उठाऊँ, तो मेरे में अभी बहुत एनर्जी की भी कमी है, तो इसलिए नींद आ रही है शायद। ओके, सो यार मैथ तो मेरे से नहीं हो रही, दिमाग पे लोड पड़ रहा है, और सही बताऊँ तो क्वेश्चन हो भी नहीं पा रहे, इतना नहीं हो रहा यार अब, क्योंकि मेरे पास टाइम है अभी, अभी 45 मिनट्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक चैप्टर जल्दी से इंग्लिश का कर लेता हूँ। ओके, सो आई एम डन फॉर टुडे। 11:55 हो चुके हैं, अब मैं बस सोऊंगा। ये भाई एग्ज़ाम की डेट 17 तारीख, क्योंकि मिड सितंबर या अक्टूबर में बोला एग्ज़ाम के लिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मिड सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। और अभी मेरे पास देखो इतने दिन खत्म हो गए, मेरे पास इतने इतने और इतने दिन अभी बाकी बचे हुए हैं। ओके, सो आई मिस्ड अप बिग टाइम, क्योंकि मुझे सुबह 5 बजे उठना था एंड मैं सुबह उठा हूँ 8:30 बजे, और मेरा 9 बजे का ऑफिस है। अब मुझे आधे घंटे में नहा के खाना खा के तैयार होके ऑफिस पहुँचना है, मेरे 3 घंटे खराब हो गए आज के। काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है दिन की। मैंने रात में पढ़ाई के बाद अपना डेस्क भी क्लीन नहीं किया था, तो सबसे पहले जल्दी से अपने डेस्क क्लीन करते हैं, उसके बाद देखता हूँ क्या करना है। आठ चालीस हो गए हैं और मेरे पास बहुत कम टाइम है। आज मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगा नहीं, आज मैं खाऊंगा चने। ओके, सो आई एम रेडी टू लीव फॉर द ऑफिस, बट अभी मुझे अपना ब्रेकफास्ट करना है। वैसे लेट होने की यहाँ इतनी टेंशन है नहीं, क्योंकि बाकी लोग वो लेट आते हैं, बट आई लाइक टू बी ऑन टाइम। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कॉल आउट करे कि देख तू लेट आया है, तो मैं हमेशा अपने टाइम से जाता हूँ। ओके, सो ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड नाउ आई एम रेडी टू लीव फॉर द ऑफिस, बट ऑफिस जाने से पहले अपना सामान चेक कर लूँ कि मुझे क्या क्या लेके जाना है। फर्स्ट थिंग इज दिस वाटर बॉटल, सेकेंड थिंग मेरा आईडी कार्ड, वॉच मैंने ले ली, बुक। ऑफिस में मुझे रेगुलर बेसिस पे आधा या 1 घंटा मिल जाता है पढ़ाई के लिए, और कभी कभी लकी हुआ तो 2 घंटे मिल जाते हैं, तो मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपने साथ ये लेके जाता हूँ। ये है किरण की 123 TCS PYQs, मतलब इसमें 123 क्वेश्चन के सेट हैं, कोई CHSL का आया हुआ सेट है, कोई CGL का आया हुआ सेट है, SSC CGL Tier 1 December 2022 का सेट है ये। तो जैसे मैं बैठा ऑफिस में और मुझे 15-20 मिनट है मेरे पास, तो तुरंत ये सेट लगा लिया मैंने। लेट्स लीव। अभी ऑफिस में कोई
आया नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी आ गया। सो आफ्टर अ लॉन्ग डे आई एम बैक होम। ऑलराइट, सो वैसे तो मैं मतलब 6:30, 6:30 तक घर आता हूँ, लेकिन आज मैं 5:15 पे घर आ गया क्योंकि फ्राइडे था और सब लोग जल्दी निकलते हैं फ्राइडे को। आज मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सीरियस पढ़ाई कर लूँ क्योंकि मेरे पास टाइम है। अभी हुआ है 5:40 और अभी मैं सोच रहा हूँ कि पहले कपड़े धो लूँ, उसके बाद घर की थोड़ी सफाई कर लूँ, उसके बाद अपने मतलब पढ़ाई पे आऊँगा। आज कम से कम 5-6 दिनों बाद पुणे में बारिश रुकी है, पिछले मतलब एक हफ्ते से यहाँ कंटिन्यूस बारिश हो रही थी, मैंने 5 मिनट भी ऐसा नहीं देखा कि बारिश ना हो रही हो। इतने सारे कपड़े हैं यार धोने के लिए, और एक तो मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, मुझे कपड़े हाथ से धोने पड़ते हैं। एक तो हाथ से धोने पे टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है, और ऊपर से कपड़े सूखते भी नहीं ढंग से। और इतने सारे कपड़े देख के ना बिल्कुल दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, पर कोई नहीं धोने तो पड़ेंगे। ऑलराइट, सो मैंने कपड़े धो लिए, मैंने कमरे की सफाई कर ली, और भी मेरे 2-4 काम थे जो मैंने निपटा लिए, और ये सब करने में मुझे बच गए हैं 7, वही रोज़ का टाइम हो गया। अभी मुझे डिनर करना है, तो डिनर के लिए दूध लेने चलते हैं। डिनर करके मैं पढ़ने बैठूंगा क्योंकि जब तक मैं डिनर करूंगा 8 बज जाएंगे। ये मेरा ऑफिस का एरिया है, और उधर अपनी कैंटीन है, यहाँ पे ये क्वार्टर्स वगैरह हैं सबके। सामने रोड जा रही है जो है, ये क्वार्टर्स की तरफ जा रही है, और ये भी एक दूसरा ऑफिस है, ये HQCW ऑफिस है। देखो इसकी बिल्डिंग कितनी प्रिटी है। और इधर सामने हमारी यूनिट रन कैंटीन है, और देखते हैं कैंटीन में इस टाइम दूध तो होगा। खैर दूध तो मैं कैंटीन वाले को बोल के रखता हूँ कि भाई मेरे रखा कर। इस कैंटीन वाले को मैंने 50 बार कह रखा है कि भाई अमूल का दूध लाया कर, और जितनी बार मैं इसके पास जाता हूँ ना, ये मुझे नई कंपनी का दूध ला के देता है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यार इतनी कंपनी एग्जिस्ट भी करती हैं क्या, मतलब भाई साहब जितनी बार मैं इसके पास गया हूँ ना, उतनी बार मुझे अलग अलग कंपनी का दूध मिला है। और पता नहीं कैसी अजीब अजीब तरह की अजीब अजीब नाम की कंपनी होती है। ये कौन सी है? इस कंपनी का नाम है हेरिटेज। अभी मैं सोच रहा था पढ़ लूँ बैठ के, और अभी लाइट चली गई, ये है मेरी किस्मत। आगे लाइट। दूध, ओट्स, सबसे अच्छा डिनर है, जल्दी बन जाता है 5 मिनट में, और कुछ मेहनत नहीं करनी, बेस्ट फॉर अ लेजी पर्सन लाइक मी। अभी बजे हैं 8, और मेरे पास 12 बजे तक मतलब मेरे पास 4 घंटे अभी पढ़ने के लिए। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश से। मैं अभी प्रोनाउन पढ़ने वाला हूँ क्योंकि प्रोनाउन मेरा कल रह गया था। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो मैं अभी प्रोनाउन पढ़ रहा था, एंड प्रोनाउन पढ़ते पढ़ते मैंने जब मतलब अपने पेजेस फ्लिप किए, तो मुझे पेजेस के बीच में से ये मिला। ये मैंने कभी कॉलेज में बनाया होगा, कॉलेज के 3rd ईयर में मैंने बनाया था ये, और मैंने पता नहीं इस बुक में क्यों रख दिया था इसे, ऐसे ये रखा हुआ था यहाँ। सो मैंने प्रोनाउन फिनिश कर लिया, एंड प्रोनाउन फिनिश करने के बाद मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया, तो अभी हो रहे हैं 9:30। मेरे पास अभी 2.5 घंटे हैं, तो मैं अभी 1 घंटा मैथ पढ़ूंगा, 1 घंटा GK पढ़ूंगा, और जो बाकी आधा घंटा बचा उसमें मैं अपनी वीडियो एडिट करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मैथ। अभी मैंने 1 घंटा मैथ पढ़ी है, एंड मुझे ऐसा लगा था कि इसके बाद मैं GK भी पढ़ पाऊंगा, बट आई डोंट थिंक सो कि अब मैं कुछ भी कंटिन्यू कर पाऊंगा, बिकॉज यू कैन सी द नो टायर्डनेस इन माई आईज़। कल मेरी छुट्टी है, तो कल मैं जल्दी उठूंगा। अभी मैं क्या करता हूँ ना, ज़्यादा कोई दिमाग का काम नहीं करता, मैं अपना ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ, ये वाला जो मैं बना रहा हूँ अभी। सो दैट वॉज माई डे, ऐसा जाता है मेरा नॉर्मल दिन,